गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम देश दीपक वर्मा है। मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से 2019 बैच का प्रशिक्षु हूँ। मैं आपको गमलों में लगाए गए पौधों को किस तरह देखभाल करते हैं और उनकी किस तरह निराई गुड़ाई करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, मैंने अपने घर पर इतने सारे पौधों को गमलों में लगाया हुआ है। इनकी समय समय पर देखभाल करते हैं और इनकी निराई गुड़ाई की जाती है ताकि पौधों को इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वायुमंडल से वो उनको प्राप्त हो जाए और उनकी मिट्टी भुरभुरी रहे, जिससे इनके पानी के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाए और जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहें और हरे भरे रहें। देखिए, जितने भी हमने पौधे लगाए हैं इन सबकी मिट्टी को देखिए, निराई गुड़ाई करते रहते हैं समय समय पर ताकि इनकी मिट्टी भुरभुरी रहे और पौधे में पानी आराम से जाता रहे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं। इसमें हम इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए हम इसमें खुरपी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसकी जो मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे और यहाँ की जो घास है, फूल पत्तियाँ हैं, उनको छोड़ के जो घास है उसको निकाल देंगे ताकि उसमें खरपतवार निकल जाए और जो पोषक तत्व है वो जो हमने पौधा लगाया है उसको ही मिले। यहाँ पर हम इस तरह से हम इनकी निराई गुड़ाई करते हैं। अब आप देखेंगे, हमने जो और पौधे लगाए हुए थे इसमें इसकी हम घास निकाल देंगे। सारे पौधों की हम निराई गुड़ाई करने के बाद इसमें जो फूल वाले हैं उनको सही रखने के लिए, बाकी घास हो गई या और ये सड़ी वाली पत्तियाँ वो तो पड़ी रहने देंगे, वो ह्यूमस में बन जाती हैं तो वो तो खाद के रूप में आ जाती है, लेकिन जो घास है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे और मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए इसको खुरपी से हम खोदेंगे ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और पानी अवशोषण की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाए।